स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस लेक्चर के मेरे नोट्स की पीडीएफ भी आपको यूएस पोर्टल पर मिल जाएगी। साथ ही कॉलेज में आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस पर भी मैं सेंड कर दूंगी, उन्हें भी पढ़ें, उनसे प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करते समय आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसको मेरे कॉमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि के गुण, उसी से कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि कितनी तेज सुनाई देती है या कितनी धीमी सुनाई देती है, उसी अमाउंट को, अमाउंट ऑफ लाउडनेस, प्रबलता को हम कहते हैं तीव्रता। कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जिनसे तरंगे रिफ्लेक्ट होती हैं, वेव्स परावर्तित होती हैं, तो उसी सरफेस से जितनी ध्वनि ऊर्जा परावर्तित होती है एक सेकंड में, साउंड एनर्जी जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से 1 सेकंड में, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता, और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई फॉर इंटेंसिटी इज ई अपॉन ए इनटू टी। अगर आप साउंड एनर्जी को बता रहे हैं, उसके अमाउंट को बताना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं E for sound energy, A for area, T for time। ध्वनि ऊर्जा, क्षेत्रफल एंड समय। और अगर आप इसको शक्ति के रूप में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, then I is P upon A, P for power, शक्ति, and A for area, क्षेत्रफल। सेमेस्टर 1 के फर्स्ट चैप्टर में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये बताया गया था कि आप मात्रक और विमा कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आप इसकी यूनिट मात्रक को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप इसको एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और अगर आप इसको पावर शक्ति के रूप में लिख रहे हैं तो इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। प्रबलता और तीव्रता में क्या संबंध है? जो प्रबलता है वो किस पर डिपेंड करती है? तीव्रता पर। प्रबलता तीव्रता के लघुगुणक के सीधे समानुपाती होती है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पहले बताया गया है, और इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रबलता एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ आई, तीव्रता के लघुगुणक के समानुपाती है। आपको बताया गया है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हमने K से रिप्रेजेंट किया है। L is K log I। आपको बताया गया था कि जो लाउडनेस है, प्रबलता है, उसके दो मात्रक होते हैं, यूनिट होती है बेल एंड डेसीबेल। हमने इसको डेसीबेल में लिखा है। डेसीबेल कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 10 लगा दिया है। L is 10 log I upon I naught। L for loudness, प्रबलता, I for intensity, तीव्रता, and I naught for threshold of hearing। Threshold of hearing, दहली श्रवणता। I naught का मतलब होता है कि हमारे कानों द्वारा, किसी मनुष्य के कानों द्वारा जितनी तीव्रता की ध्वनि सुनी जा सकती है, जितनी इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं, कैच कर सकते हैं साउंड की, उसी को हम कहते हैं दहली श्रवणता, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, जिसकी वैल्यू होती है 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपको पता ही होगा 10^-12 को हम पीको कहते हैं, तो आप इसे 1 पीको वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इको, और इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि का परावर्तन। जब साउंड का रिफ्लेक्शन हो जाता है तो वही ध्वनि बहुत थोड़े समय के लिए आपको दोबारा सुनाई देती है, उसी को हम इको कह देते हैं, प्रतिध्वनि कह देते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए आपको एक ऐसे सरफेस की जरूरत होती है जो ध्वनि को रिफ्लेक्ट कर सके, ध्वनि का परावर्तन कर सके, और जितने समय के लिए आप प्रतिध्वनि इको को सुन सकते हैं वो है
वन सेकेंड। ये आप खड़े हुए हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पर, ये एक रिफ्लेक्टर है, एक ऐसी सतह है जो ध्वनि का परावर्तन कर सकती है, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। आपने यहां से साउंड की है, ध्वनि की है, आपने कुछ आवाज की है, तो आपकी आवाज इस सतह तक गई है, जिसको हमने डिस्टेंस को हमने डी से रिप्रेजेंट किया, कितनी दूरी तक गई उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। इस सतह से टकराकर वापस वही ध्वनि आपको सुनाई देगी 0.1 सेकंड के लिए। फिर से हमने डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया है। ई को सुनने के लिए आपकी साउंड ने दो बार सेम डिस्टेंस कवर की है, इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस दूरी हो जाती है, कुल दूरी, वो हो जाती है 2d। आपने फॉर्मूला सुना ही होगा, v फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। और एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, ध्वनि का जो वेग होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। टाइम कितना है 0.1 सेकेंड इको के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए। उसकी वैल्यू रखकर हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो होती है 70 मीटर। ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 17 मीटर। इसका मतलब है कि इको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, कितनी दूरी रिक्वायर्ड होती है, वो है अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर। ये जो इको है, प्रतिध्वनि है, ये तभी सुनी जा सकती है जब आपको एक ऐसा सरफेस मिले जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर सके, ध्वनि को परावर्तित कर सके। इसका यूज हम करते हैं लेजर में, रडार में, सोनार में, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अलग अलग जगह पर दूरी को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इको प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन अनुरणन, अनुरणन का मतलब होता है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का बार बार परावर्तन। इवन व्हेन द साउंड सोर्स इज कट ऑफ, हम ध्वनि करना बंद भी कर देते हैं, आवाज करना बंद भी कर देते हैं, तब भी उसी ध्वनि का बार बार परावर्तन होता रहता है, बार बार साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, तब वो ध्वनि हमें बार बार सुनाई देती रहती है, उसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन अनुरणन। और बार बार परावर्तन के लिए हमें चारों तरफ ऐसे सरफेस चाहिए होते हैं, ऐसी सतह होनी चाहिए हमारी चारों तरफ जो ध्वनि का बार बार परावर्तन कर सके। और जब ध्वनि बार बार परावर्तित होगी, बार बार रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको बार बार सुनाई देगी, भले ही आप साउंड सोर्स ऑफ कर दें, ध्वनि करना बंद कर दें, आवाज करना बंद कर देते हैं, उसी ध्वनि को, बार बार सुनाई देने वाली ध्वनि को ही हम कहते हैं अनुरण। ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब हम किसी बंद बिल्डिंग में हो, किसी बंद हॉल में हो, ऑडिटोरियम में हो, जहां ऐसे सरफेसेस हो चारों तरफ जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमें बार बार रिफ्लेक्शन सुनाई देता है, उसी को हम कह देते हैं रिवर्बरेशन अनुरणन। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अवशोषण। आप जानते होंगे, या तो कोई सरफेस साउंड को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ध्वनि का परावर्तन कर सकता है, या कोई सरफेस साउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको अवशोषित कर सकता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अवशोषण की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन के लिए हमने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक ओपन विंडो पर किया था, एक खुली हुई खिड़की पर किया था। इसीलिए ये क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस खुली हुई खिड़की की सतह के क्षेत्रफल के। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ओपन विंडो। जो हमने खिड़की खोल दी होती है, तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, साउंड उधर से क्रॉस हो जाती है,
तो हम समझ जाते हैं कि इसने ध्वनि का अवशोषण कर लिया है, इसने ध्वनि का परावर्तन रिफ्लेक्शन नहीं किया है, उसी को हम कहते हैं ध्वनि का अवशोषण। और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? कैपिटल ए से। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। एस फॉर एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ओपन विंडो। हमने यहाँ क्षेत्रफल को एस से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमने ए से एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है, अवशोषण को प्रदर्शित कर दिया है। आपको पता है हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हमने नियतांक को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, और इसे हम कहते हैं कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण गुणांक। तो ए हो जाता है ए इंटू एस, इसका मात्रक होता है ओपन विंडो यूनिट। ओपन विंडो यूनिट इसलिए इसकी यूनिट होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाता है? ओपन विंडो पर ही किया जाता है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण गुणांक। जैसा कि आपको बताया गया, किसी खुली हुई खिड़की द्वारा कितनी ध्वनि को अवशोषित किया जाता है, कितनी साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण गुणांक, जो रेसिप्रोकल होता है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ओपन विंडो। जो खुली हुई खिड़की है उसकी सतह के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका व्युत्क्रम होता है, उसी को हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। आपको पहले बताया गया है इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी बताया है कि एरिया को हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया है, क्षेत्रफल को कैपिटल एस से प्रदर्शित किया है। तो अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए इज 1/s। ए किसके बराबर होता है? अवशोषण गुणांक बराबर होता है 1/ क्षेत्रफल के। उसका व्युत्क्रम होता है, क्षेत्रफल का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। रेसिप्रोकल ऑफ एरिया इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम अनुरणन का, जैसे कि आपको बताया गया, जब हमें ध्वनि बार बार सुनाई देती है, बार बार रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो जितने समय तक हमें बार बार ध्वनि सुनाई देती रहती है, जितना टाइम लगता है साउंड को बार बार रिफ्लेक्ट होने में, साउंड सोर्स ऑफ करने के बाद भी उसी टाइम को, उसी समय को हम कहते हैं अनुरणन काल, रिवर्बरेशन टाइम। जब साउंड की इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता, उसकी अधिकतम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी रह जाती है? 1/10^6 टाइम्स रह जाती है। 1/10^6 गुनी जब ध्वनि की तीव्रता रह जाती है, तो जितना समय लगता है इतनी डाउन होने में, इतनी कम होने में, उसी समय को हम कहते हैं अनुरणन काल। आपने ऐसा सुना होगा पहले भी कि कभी कभी ऐसा होता है जब हमें साउंड बार बार सुनाई देती है तो धीरे धीरे वो धीमी होती जाती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो कम होती जाती है, उसकी प्रबलता डाउन होती जाती है। इसीलिए यही जो टाइम लगता है डाउन होने में, कितनी इंटेंसिटी डाउन हो गई, उसी समय को हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम, अनुरणन काल। जितने समय तक हमें ध्वनि बार बार सुनाई देती है, जितने टाइम तक साउंड का बार बार रिफ्लेक्शन होता रहता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। और टाइम को, इस टाइम को भी हम कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते। एक साइंटिस्ट थे सेबाइन, कौन से वैज्ञानिक थे? सेबाइन उनका नाम था। उन्होंने ही एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के बारे में बताया, उन्होंने ही इस टाइम के बारे में बताया, रिवर्बरेशन टाइम के बारे में बताया। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रिवर्बरेशन किसी बंद जगह ही हो सकता है, किसी बंद हॉल में, बिल्डिंग में, ऑडिटोरियम में। तो जो भी आपने हॉल लिया है उसका
कुछ आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। सेवाइन ने बताया कि रिवर्बरेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी आयतन के, उस वॉल्यूम के, जहां पर रिवर्बरेशन अनुरणन कराया जा रहा है। वॉल्यूम को हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है, रिवर्बरेशन टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, देन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अनुरणन का आयतन के सीधे समानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट जो सेबाइन ने बताया है, साइंटिस्ट सेबाइन ने हमें बताया कि ये जो रिवर्बरेशन टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के, जितनी कुल ध्वनि को एब्जॉर्ब किया गया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली विथ समानुपाती इसलिए होता है क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगा, परावर्तन होगा तो अवशोषण नहीं हो सकेगा। इसीलिए अनुरणन काल जो कुल अवशोषण है उसके विध क्रमानुपाती होता है। पहले भी आपको बताया हमने अवशोषण को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था, दैट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए। जब इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम मर्ज कर देते हैं, तब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन ए, वॉल्यूम अपॉन एरिया, आयतन अपॉन क्षेत्रफल। प्रोपोर्शनल का साइन बताते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया है हमने, इसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है नियतांक को, और इस के की वैल्यू सेबाइन ने ही दी थी बाय एन एक्सपेरिमेंट, और वो है 0.165। सेबाइन ने यहाँ पर जो नियतांक है उसका मान प्रयोगों द्वारा निकाला 0.165, तब टी बराबर होता है, अनुरणन काल बराबर होता है 0.165 वी अपॉन ए। ये जो अनुरणन काल है इसकी वैल्यू होती है 0.522 सेकेंड, मतलब रिवर्बरेशन टाइम कितनी वैल्यू होती है इसकी 0.5 से 2 सेकेंड। जितनी देर तक हमें ध्वनि बार बार सुनाई दे सकती है वो समय होता है 0.5 से 2 सेकेंड। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये जो अनुरणन है हमें बार बार ध्वनि का सुनाई देना हमें डिस्टर्ब कर जाता है कभी कभी, तो इस रिवर्बरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऐसे सरफेसेस ले सकते हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट ना करें। अगर हम ऐसे सरफेस नहीं ले पा रहे हैं तो हम चारों तरफ दीवारों पे कर्टेन लगा सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम खिड़कियों को खुला रख सकते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम घड़ों को उल्टा लटका सकते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा श्रोता बिठा सकते हैं, सुनने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो उनके कान हमारे जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे। ज्यादा से ज्यादा उस हॉल में, बिल्डिंग में या ऑडिटोरियम में फर्नीचर होना चाहिए। इसी प्रकार से रिवर्बरेशन अनुरणन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो आज का लेक्चर है उससे आपकी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसको शेयर भी करें, जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है वो इसे नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जो जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।